मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बेटे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड टू का बीडीएस का कट ऑफ गया है, ऑल इंडिया कोटा राउंड टू बीडीएस गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का जो कट ऑफ गया है वो क्या रहा, कौन सा कॉलेज लास्ट रैंक वाले बच्चे को अलॉट हुआ। साथ ही साथ बेटे बात करेंगे कि राउंड थ्री का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बीडीएस का गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का क्या हो सकता है। इसलिए बेटे आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ऑल इंडिया नीट 2024 राउंड थ्री बीडीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए कॉलम बनाया है, इसमें क्या होगा ये एंड में बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि राउंड टू का क्या कट ऑफ गया और कौन सा कॉलेज बच्चे को अलॉट हुआ। नीट 2024 राउंड टू का कट ऑफ क्या गया, जनरल कैटेगरी यानी अनरिजल्ट ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 45,415 ऑल इंडिया रैंक पर गया। इस बच्चे के मार्क्स 630 थे, नीट 2024 में 630 मार्क्स थे। और इसे जो कॉलेज अलॉट हुआ वो था गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज डिब्रूगढ़ आसाम। आसाम का डेंटल कॉलेज है, अच्छा डेंटल कॉलेज है, आसाम का कॉलेज अलॉट हुआ आपको और वो गवर्नमेंट कॉलेज हो तो आपको तुरंत ले लेना चाहिए अगर आपकी रैंक अलाउ करती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का डिग्री का राउंड टू का बीडीएस का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का 60,664 ऑल इंडिया रैंक 615 मार्क्स पर गया। बच्चे को जो कॉलेज अलॉट हुआ, जो डेंटल कॉलेज अलॉट हुआ वो था जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस इम्फाल मणिपुर। बेटा मणिपुर का डेंटल कॉलेज है जो इस बच्चे को अलॉट हुआ। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 50,559 ऑल इंडिया रैंक पर गया। इस बच्चे के नीट मार्क 625 है। इसे जो डेंटल कॉलेज अलॉट हुआ वो है एमजीडीसी एंड हॉस्पिटल पुडुचेरी, पुडुचेरी का ये गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इसे अलॉट हुआ। नेक्स्ट आता है एससी कैटेगरी। ये सब ओपन कैटेगरी के बेटे कट ऑफ है, अनरिजर्व ओपन, ईडब्ल्यूएस ओपन, ओबीसी ओपन और अब एससी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 180,193 ऑल इंडिया रैंक पर गया। 518 मार्क्स है इस बच्चे के। इसको जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ वो था जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस इम्फाल मणिपुर। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो बेटा डेंटल कॉलेज अलॉट हुआ वही एससी कैटेगरी में राउंड टू में ऑल इंडिया कोटा से अलॉट हुआ। अब आइएगा एसटी कैटेगरी। एसटी ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो राउंड टू में बेटे ऑल इंडिया कोटा से 250,035 ऑल इंडिया रैंक पर गया। 470 मार्क्स है इस बच्चे के। और इसे जो कॉलेज अलॉट हुआ वो था गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर, छत्तीसगढ़ का ये गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है। ये एसटी ओपन कैटेगरी का राउंड टू का ऑल इंडिया कोटा से बीडीएस गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का कट ऑफ रहा। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन आया, व्हाट मे बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आपको मैं पहले हिदायत दे दूं बेटे, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है उसको निकालने के पीछे कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये भी होता है कि आप प्रीवियस कई इयर्स के यानी 2020 से 21, 21 से 22, 22 से 23 और 23 से 24 में जो डिफरेंट राउंड में कट ऑफ का ड्रॉप हुआ वो गैप आता है, जो डिफरेंस आता है उसके आधार पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर सीट मैट्रिक्स आ जाती है तो फिर ये देखना होता है कि कितनी सीट्स डिफरेंट कैटेगरीज में है उसके आधार पर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। इसमें बेटे प्रीवियस ईयर और प्रीवियस से प्रीवियस ईयर या उससे भी पहले की जो सीट मैट्रिक्स रही थी उस राउंड को उसको भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तरह के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। एक और ये भी है कि जो मेरिट आती है उसमें कितने स्टूडेंट्स जो है रजिस्टर किए हुए हैं, उस रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का डिफरेंट कैटेगरीज में सीट्स, डिफरेंट कैटेगरीज में स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड उसके आधार पर निकाला जाता है। तो ये कट ऑफ जो होता है एक 22 डेटा होता है जो बताता है कि कट ऑफ जाने की क्या गुंजाइश है। एक टॉलरेंस लेवल होना बड़ा जरूरी है कि भैया कट ऑफ यहां से यहां तक जा सकता है। एग्जैक्ट एक्यूरेट कट ऑफ बता पाना ये तो संभव नहीं है, तो बेटे बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 के राउंड थ्री का मैंने निकाला है वो आपके सामने है। सबसे पहले जनरल यानी अनरिजल्ट ओपन कैटेगरी का राउंड थ्री का बीडीएस का ऑल इंडिया कोटा का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है वो ये है। आप देखिएगा 52,000 से लेकर के 55,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच हो सकता है। यानी राउंड थ्री का बीडीएस का ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट डेंटल सीट का गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का जो कट ऑफ है वो 52,000 से 55,000 के बीच हो सकता है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ राउंड थ्री में ऑल इंडिया कोटा बीडीएस का गवर्नमेंट डेंटल सीट पर 66,000 से लेकर के 68,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में कहीं पर हो सकता है। सिमिलरली बेटे ओबीसी कैटेगरी का बीडीएस राउंड थ्री ऑल इंडिया कोटा नीट का जो
गवर्नमेंट इंटर स्टूडेंट्स का कट ऑफ जो है वो 58,000 से 61,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में जाने की संभावना है, करेक्ट। अब आता है एससी, एससी का जो राउंड टू का कट ऑफ 180,193 ऑल इंडिया रैंक पर गया, वो बेटे राउंड थ्री में जो जाने का चांस है वो ये है, 190,000 से 198,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में राउंड थ्री में जा सकता है। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ द एससी कैटेगरी इन द राउंड थ्री ऑफ ऑल इंडिया कोटा बीडीएस गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का। अब लास्ट बचता है एसटी का, एसटी का कट ऑफ जो है वो 265,000 से 275,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में जाने की संभावना है। सो ये बेटे एक प्रयास है जिसमें मैं ये पता करूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। आप में से बहुत से बच्चे बीडीएस को एज कैंडिडेट ऑप्ट करने में हेजिटेट करते हैं, क्या उनको एमबीबीएस अगर नहीं मिल रहा तो बीडीएस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर एक वीडियो मैं कुछ दिनों में ही डालूंगा या हो सकता है कल तक ही डालूं। तो आपको अगर देखना है कि क्या आपको करना चाहिए, आपकी रैंक किसी जगह पर है और आपका एमबीबीएस में गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है, आपका कौन सा अटेम्प्ट है, आप कितने नजदीक पहुंचे हैं, क्या आपको बीडीएस या बीएएमएस या बीयूएमएस या बीएचएमएस ऑप्ट करना चाहिए, इन सब पे वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज बेटा वीडियो को लाइक कर दिया करिएगा। दिस इज एम सिंह सरिया, थैंक यू वेरी मच।